बच्चों, मैं आज आपके लिए आपके दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले विभिन्न पदार्थों के जलीय विलयन तथा कुछ फलों के रस, दूध, जल आदि इकट्ठा करके लाई हूँ। अब हम जांच करेंगे कि इनमें कौन अम्लीय है और कौन क्षारीय। तो आपको पता है ये जांच कैसे होगी? बिल्कुल सही, लिटमस पेपर के द्वारा। हम नीले और लाल दोनों लिटमस पेपर का उपयोग करके ये जानेंगे कि इन सभी पदार्थों में कौन अम्लीय है और कौन क्षारीय। और चलिए अब हम लिटमस पेपर की सहायता से जांच करते हैं कि इनमें कौन अम्लीय है और कौन क्षारीय। तो सबसे पहले हम जल की जांच करते हैं। जल में मैं सबसे पहले नीला लिटमस पेपर डालती हूँ। देखिए, इसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब मैं लाल लिटमस पेपर डालती हूँ। ये देखिए, लाल लिटमस पेपर के रंग में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसका मतलब कि जल की प्रकृति ना तो अम्लीय है और ना ही क्षारीय है। अब हम दूसरे विलयन यानी कि नमक के घोल की जांच करते हैं। मैं इसमें सबसे पहले नीला लिटमस पेपर डालती हूँ। बच्चों, नीले लिटमस पेपर के रंग में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब मैं इसमें लाल लिटमस पेपर डालती हूँ। आप देख रहे हैं, लाल लिटमस पेपर के रंग में भी कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ, यानी कि नमक का घोल भी उदासीन है। चलिए अब हम दूध में नीला लिटमस पेपर डालकर देखते हैं। आप देख रहे हैं कि नीला लिटमस पेपर बहुत हल्का परिवर्तित हो गया है। जबकि लाल लिटमस पेपर में कोई परिवर्तन दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब दूध बहुत ही कम अम्लीय है। अब हम टमाटर के रस की जांच करते हैं। इसमें देखिए बच्चों, इसमें नीला लिटमस पेपर डालते ही लाल रंग में परिवर्तन हो गया, जबकि लाल लिटमस पेपर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ये दर्शाता है कि टमाटर का विलयन अम्लीय है। इसके पश्चात हम तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की जांच करते हैं। इसमें भी हम सबसे पहले नीला लिटमस पेपर डालते हैं। आप देख रहे हैं कि नीला लिटमस पेपर भी लाल हो गया है और देखिए, लाल लिटमस पेपर के कलर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसका मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी अम्लीय है। इसके पश्चात हमारा अगला विलयन है सोडियम हाइड्रोक्साइड। बच्चों, इसमें हम फिर से नीला लिटमस पेपर डालते हैं। देखिए, नीले लिटमस पेपर के रंग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब हम इसमें लाल लिटमस पेपर डालते हैं। आप देख रहे हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में लाल लिटमस पेपर डालने पर ये नीला हो गया, जो ये दर्शाता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन क्षारीय है। अब हम खाने के सोडे के विलयन की जांच करते हैं। इसमें भी हम सबसे पहले नीला लिटमस पेपर डालते हैं। आप देख रहे हैं, नीला लिटमस पेपर के रंग में परिवर्तन नहीं हुआ। और अब लाल लिटमस पेपर डालते हैं। लाल लिटमस पेपर का रंग नीला हो गया। इसका मतलब खाने का सोडे का विलयन भी क्षारीय है। अब इसके पश्चात हम कॉपर सल्फेट के विलयन की जांच करते हैं। पुनः हम
कॉपर सल्फेट के विलयन में नीला लिटमस पेपर डालते हैं। बच्चों आप देख रहे हैं कॉपर सल्फेट के विलयन में नीला लिटमस पेपर डालने पर ये लाल रंग में परिवर्तन हो गया। इसका मतलब कॉपर सल्फेट का विलयन अम्लीय है। अब हम इसके विलयन में लाल लिटमस पेपर डालकर देखते हैं, लाल लिटमस पेपर के रंग में परिवर्तन नहीं हुआ। इसका मतलब कॉपर सल्फेट का विलयन अम्लीय है जिसने नीले लिटमस पेपर को लाल कर दिया। इसके बाद बच्चों हम साबुन के घोल की जांच करते हैं। ये साबुन का घोल जिसमें हम सबसे पहले नीला लिटमस पेपर डालते हैं, नीले लिटमस पेपर के रंग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ जबकि लाल लिटमस पेपर नीला हो गया, जो ये दर्शाता है कि साबुन का घोल क्षारीय प्रकृति का है। अब हम अंतिम विलयन नींबू के रस की जांच करते हैं। देखिए नींबू के रस में नीला लिटमस पेपर डालते ही ये लाल हो गया जबकि लाल लिटमस के पेपर के रंग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसका मतलब नींबू का विलयन कैसा है, अम्लीय है। तो बच्चों इस तरह हमने अपने सारे विलयनों की अम्लता तथा क्षारकता की जांच कर ली। अब आप सोच रहे होंगे कि नींबू का रस, टमाटर का रस, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कॉपर सल्फेट का विलयन, ये सभी तो अम्लीय हैं। तो इस बात की जांच कैसे हो कि इनमें कौन ज़्यादा अम्लीय है और कौन कम अम्लीय है? बिल्कुल सही बच्चों, जैसा कि आप जानते हो कि अम्ल का अम्लीय गुण उसमें हाइड्रोजन आयनों की वजह से होता है, यानी कि जो अम्ल ज़्यादा मात्रा में हाइड्रोजन आयन देगा वो ज़्यादा अम्लीय होगा और ऐसे अम्ल को हम प्रबल अम्ल कहते हैं, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। इसी तरह से जो क्षार ज़्यादा मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन देगा वो ज़्यादा क्षारी होगा, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और जो अम्ल कम आंशिक वियोजित होकर बहुत थोड़ी मात्रा में हाइड्रोजन आयन देंगे वो तनु अम्ल होंगे, जैसे कि एसिटिक अम्ल या साइट्रिक अम्ल। इसी तरह से जो क्षार बहुत थोड़ी सी मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन देंगे वो तनु क्षार होंगे, जैसे कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। यानी कि अम्ल की अम्लता उसमें पाए जाने वाले हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता पर निर्भर करती है।